सो है व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप सर। दोस्तों आज हमारे सामने मोटो जी सिक्स प्ले का एक वीडियो लीक हुआ है। तो दोस्तों अब अभी मोटो जी सिक्स सीरीज़ को अभी लॉन्च होने में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। 19 अप्रैल को मोटोरोला लॉन्च करने वाला है अपने मोटो जी सिक्स सीरीज़ को। तो उससे पहले दोस्तों हमें जी सिक्स प्ले का एक वीडियो लीक हुआ जो कि 9 सेकेंड का वीडियो है। तो इसमें हमें पूरे मोटो जी सिक्स प्ले का ओवरव्यू देख सकते हैं। बात करें दोस्तों अगर आगे से, तो आगे हमें 5.7 इंच की डिस्प्ले मिलने वाली है 18:9 की, जिसे मोटोरोला कहता है विजन प्लस डिस्प्ले, यानी कि 18:9 रेशियो डिस्प्ले, जो कि HD+ रिजोल्यूशन के साथ होगा। जो लॉन्चर इसमें यूज़ किया गया है गाइस, वो है पिक्सल लॉन्चर 2016 वाला। और आउट ऑफ द बॉक्स जो मोटो G6 प्ले होगा गाइस, वो आपको मिलने वाला है एंड्रॉयड ओरियो के साथ। अगर बैक की बात करें तो हमें बैक में मिलने वाला है दोस्तों एक सिंगल रियर कैमरा। जैसा अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगेगा यहाँ पे कि यह डुअल कैमरा है, लेकिन वैसा नहीं है। जैसा मोटो एक्सपोर्ट में आपको दिखा था कैमरा बम्प का डिज़ाइन, वैसा ही हमें यहाँ भी दिखने वाला है। लेकिन यहाँ पे मोटो G6 प्ले में हमें सिर्फ सिंगल रियर कैमरा मिलेगा। अगर डुअल रियर कैमरा की बात करें तो वो हमें सिर्फ G6 और G6 प्लस में मिलने वाला है। पीछे की अगर बात करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि जो पीछे का बैक का डिज़ाइन है मोटो G6 प्ले का, वो काफ़ी औसम मुझे लगा। शायद ग्लास बॉडी या प्लास्टिक बॉडी मैं नहीं कह सकता। पीछे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलने वाला है, जो कि यहाँ पे मोटोरोला का लोगो है आपके फिंगरप्रिंट सेंसर के अंदर। तो ये भी काफ़ी अच्छा मुझे लगा मोटोरोला की ये टेक्निक। और तो दोस्तों कुछ यहाँ पे बताने लायक है नहीं, और अब बस 19 अप्रैल का वेट है। मोटोरोला उस दिन अपने G6 सीरीज़ को लॉन्च करने वाला है। तो मैं होप करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर से पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों मोटोरोला के इस नए फ़ोन के लिए। तो दोस्तों और अगर चैनल अगर पे नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मेरा नाम है निहाल, दोस्तों ऐसे ही मिलता है एक और इंटरेस्टिंग वीडियो पर।